फॉर्म वॉश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तो आपको पता ही है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म टैंक है। ये लोहा है, ये हाई कार्बन स्टील है, तो लोहा ही, लेकिन लोहे में भी अच्छी क्वालिटी है, हाई कार्बन स्टील। और ये दे रहा हूँ मैं 15,000 रुपये में, लोकल टैंक, मेड इन इंडिया। और अगर आप चाइना के लेंगे तो आपको पता ही है, इसकी टैंक आती है 11 किलो की होती है, और ये है 30 किलो की। ऊपर वाला है 5 mm, 4 mm, किसी में 6 mm आता है और 5 mm आता है। और ये मेरा, मैं आपको बोल रहा हूँ करके, मेरा मतलब आप ये आप पहले चीज़ में क्या चीज़ है, आप चाइना मेड को देखो और उसके बाद मेरा सामान देखो। मैं तो बिजनेस मैन हूँ, मैं तो मछली बेच के भी अपना प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं सोचता हूँ मुझे हटा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन आप सोच समझ के आपके में देवा आप क्या चीज़ देने हो देखिए। ये 15,000 रुपये में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सेकंड में लेके आ रहा हूँ एक कार का जो टैंक होता है LPG AC टैंक, टैंक में है भी एक होता है, वो मैं लेके आता हूँ स्क्रैप वाले के पास से, उसको ऑर्डरशिप करके बना के देता हूँ। उसमें मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सेफ्टी वाल दे रहा हूँ, मीटर दे रहा हूँ, और पाइप दे रहा हूँ, नीचे टोनी बना के दे रहा हूँ। और इसका 0 मेंटेनेंस है, कोई मेंटेनेंस नहीं। मेंटेनेंस आएगा तो खाली बोर वाल का आएगा और किसी का नहीं आएगा। और ये चलता है हवा से, आपने इसको हवा लगा दिया, पीछे से हवा हवा इसको मिलती रहेगी और आगे से फोन निकलता रहेगा। पूछते हो कितनी गाड़ी होगी, पानी में कितना शैम्पू मिलाना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, भाई शैम्पू की क्वालिटी तो आपके यहाँ की आपको आपको मालूम करना पड़ेगा ना। जैसे अगर आपको इसके अंदर 40 लीटर पानी भरना है, 50 लीटर पानी भरना है, अभी आप बाल्टी में कैसे मिलाते हो, 100 ml मिलाते हो या 50 ml मिलाते हो या 100 ml मिलाते हो, उसके हिसाब से आपका लिक्विड कंक्लूजन करके आपको 50 लीटर पानी में डालना है। ये हर बार आपसे पूछते हैं भाई हमारा लिक्विड कितना रहेगा, भाई पानी का पता है भाई तुम्हारा क्वालिटी क्या ले रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है ना, क्या 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 क्वालिटी ले रहे हो पीछे से। उसके लिक्विड का क्वालिटी आप जो बाल्टी में बनाते हो उसको एक कैलकुलेशन करके आपको 50 लीटर पानी के अंदर डालना है। और पीछे से हवा लगानी है, ये हवा चलने वाला है, ठीक है ना भाई। ये गाड़ी में पानी वगैरह नहीं मारता, लोग खुद को फोन करके पूछते हैं भाई ये पानी भी मारेगा, पानी कैसे मारेगा यार, ये हवा चलने वाला चीज़ है। इसमें हवा लगाएंगे फिर ये फॉर्म निकालेगा, पीछे से हवा मिलते रहेगी, आगे फॉर्म निकालता रहेगा। और ना इसमें कोई पानी का कोई कनेक्शन देना है, आदमी में ये भी रहता भाई पानी का कनेक्शन भी देना पड़ेगा, कहीं देना पड़ेगा, उसको देना नहीं पड़ेगा। हवा लगाओ, शैम्पू डालो इसमें, फॉर्म निकलना आपका रेडी। और चाइना मेड को मत लो, मेड इन इंडिया ही लो। अभी जब आप लोकल आदमी को उठाओगे तभी तो कुछ नया नया सामान बनाएगा, जब उसका पैसा आएगा तभी तो कुछ नया बनाएगा और भी अच्छा बनाएगा। लेकिन आप जा रहे हो चाइना की तरफ, हाँ, और उसके बाद चाइना लेते हैं, फिर जैसे वो पड़ जाता है अब तो जब फॉर्म निकलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेड इन इंडिया ही लो आप जो भी लेंगे, तो क्योंकि इसमें हमारा सबका फायदा है। मैं भी सामान लेके आता हूँ, लोकल आदमी से लेके आता हूँ, फिर आप ये मुझसे लेंगे। मेरा कहना ये था कि आप पहले चीज़ देखिए कैसी है और उसके बाद परचेज कीजिए, या तो फिर मेरा देखो, मेरा हैवी पे ही है मेरा गैरेज, इलेक्ट्रिकल काम हैवी है, और ये मेरा साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड प्राइस है, पास सर्विस सेंटर, ठीक है ना। कि मेरे भाई ये मेरा पीछे मेरा घर है, लोग पूछते हैं कि भाई हम पैसा भेज देंगे तो क्या जिम्मेदारी है कि आपका आ जाएगा, भाई यहाँ पर मैं ऑनलाइन पे मेरा सर्च मारेंगे ना आप, हाँ सर्विस सेंटर या तो खाने का प्राइस है या तो फॉर्म टैंक, आपको मेरा लोकेशन भी आ जाएगा, ठीक है ना, आपको दिखाता हूँ आ जाएंगे। मैं हैवे पे ही रहता हूँ, ये हैवे पे ये फ्लाईओवर से पहले मेरा गैरेज है, और ये आप मेरा गैरेज देख सकते हैं, आप मेरा गैरेज देख सकते हैं, मेरा जो प्लेन टाइम है वो है था। अभी आप लोग सोचते हैं कि भाई हम पैसा भेज देंगे, मैं तो बेचने के लिए बैठा हूँ, मैं पैसे खा के आपका क्या करूँगा। आप लोग मेरे अकाउंट में डालोगे, पुलिस के पास जाओगे तो मैं तो आपको कुछ दिखा दिया लोगों ने, हाँ ये भाई जब ये हाथ हो रहा है इसे दिखाओ, इसका नाम है मैनेजर, ये रहने वाले पहाड़े के हैं और हमारे पूरा लाइन गैरेज वाला लाइन है, ये देखे भाई मैं इतना मानता हूँ आदमी हूँ, खाने वाला आदमी नहीं, बहुत बंदा आदमी है यहाँ का, क्योंकि हम लोग रहते हैं कोकर विभाग में डिस्ट्रिक्ट थाने, बंदा आदमी है,
भाई मुझे कुछ का पैसा वैसा खा के नहीं रखना है कि भाई लोग ये पूछते हैं कि भाई आप पैसा डाल देंगे तो क्या गारंटी आ जाएगा, कैसे आप भरोसा करें। देखो भाई आपको बच्चों दिखा दिया मैंने, बाकी आपकी मर्जी है, जबरदस्त है, सोचो विचार करो उसके बाद लो। और सर्विस सेंटर के लिए फॉर्म पे ही बढ़िया है और कुछ नहीं बढ़िया है। आप बाल्टी में मारते हैं, गन से मारते हैं, लगा के वो सुंदर कैंपस है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं प्रेशर हूँ इसके लिए, मेरा ही लो फॉर्म से ही बढ़िया है, ठीक है ना भाई। आप ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर में हम बना के देते हैं, ऑल ओवर इंडिया भी आपको बना के मिल जाएगा।